हेलो एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में। सो कंजेशन जब हमने देखा था, कंजेशन के अंदर हम ट्रैफिक कंजेशन को अवॉइड करते हैं, जबकि क्वालिटी ऑफ सर्विस में हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं जिससे जो ट्रैफिक है वो आपका स्मूथ तरह से फ्लो हो। सो इन क्वालिटी ऑफ सर्विस वी ट्राई टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर द ट्रैफिक। सो ट्रैफिक के लिए एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट बनाया जाता है। तो बेसिकली ट्रैफिक क्या है? इट इज़ अ फ्लो ऑफ पैकेट्स और डेटा। तो फ्लो की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि रिलायबिलिटी, डिले, जिटर एंड बैंडविड्थ। तो एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे वेरियस टेक्निक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस। सो पहली करेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका पैकेट पहुँचा या नहीं पहुँचा, या फिर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लूज हुई या कोई इन्फॉर्मेशन लूज नहीं हुई। सो बेसिकली इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक डेट अ फ्लो नीड्स, एंड लैक ऑफ रिलायबिलिटी मीन्स लूजिंग अ पैकेट और एक्नॉलेजमेंट। सो लैक ऑफ रिलायबिलिटी मीन्स लूजिंग अ पैकेट और एक्नॉलेजमेंट। सो एक अच्छे फ्लो के अंदर, एक अच्छे फ्लो के लिए रिलायबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव दिस डिले। डिले कुछ नहीं होता, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो पहुंचने का टाइम है, जो डिले है, वो डिले कहलाता है। अब डिफरेंट डिफरेंट डिलेज होते हैं। कुछ चीज़ों के अंदर हम डिले को टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ में नहीं करते हैं। तो सॉरी सो जैसे कि अगर हम बात करते हैं टेलीफोन, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिमोट लॉगिन, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि हमारा जो डिले है वो मिनिमम होना चाहिए, जबकि फाइल ट्रांसफ़र या ईमेल के अंदर हम डिले को थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं। सो इन दिस सोर्स टू डेस्टिनेशन डिले तो अगर जैसे सोर्स पे एक ट्रैफिक आया था एट टाइम ज़ीरो और वो पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचा एट टाइम फोर, तो डिले कितना हो गया? फोर टाइम यूनिट्स का। एंड दिस इज़ द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिले। देन जिटर इज़ नथिंग बट दिस इज़ द वेरिएशन इन डिले। ये क्या है? वेरिएशन इन डिले। ना फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पैकेट है, उसके चार फ्रेम्स हैं, पहला फ्रेम ज़ीरो पे भेजा गया, दूसरा वन पे, देन टू और थ्री, और डेस्टिनेशन पे ये फ्रेम्स पहुंचते हैं एट टाइम फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन। तो देखो हर फ्रेम का डिले कितना होगा? हर फ्रेम का डिले होगा फोर। फोर माइनस ज़ीरो फोर, फाइव माइनस वन फोर, सिक्स माइनस टू फोर, सेवन माइनस थ्री फोर। तो ये तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये फ्रेम्स पहुंचते एट टाइम लाइक दिस, फोर, सिक्स, टेन, फिफ्टीन, तो अब डिले कितना होता? इसके केस में डिले होता फोर, इसके केस में होता फाइव, इसके केस में होता एट, और इसके केस में होता ट्वेल्व। तो ये जिटर कहलाता है, जो कि वेरिएशन इन डिले है। अब अगर आप ऑडियो और वीडियो की बात करते हैं कि अगर आप ऑडियो और वीडियो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, तो उसमें जो जिटर है वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? आपका एक वीडियो का फ्रेम रुक जाएगा क्योंकि अगला फ्रेम अभी तक आया ही नहीं है। सो इसलिए जिटर जो होता है वो ऑडियो वीडियो के केस में काफ़ी लो होना चाहिए। देन वी हैव द बैंडविड्थ। अब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिफरेंट डिफरेंट बैंडविड्थ चाहिए होती है। एंड लेट्स से इफ वी आर गोइंग फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वहाँ पे बैंडविड्थ की ज़्यादा ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं कि ईमेल की, तो ईमेल में बैंडविड्थ की ज़रूरत बहुत कम है। सो इन दिस सिंपल वी कैन राइट दैट डिफरेंट एप्लीकेशंस रिक्वायर्स डिफरेंट बैंडविड्थ। तो ये तो हो गए सिंपल फ्लो की करेक्टरिस्टिक्स। ये काफ़ी बेसिक था, थ्योरेटिकल टॉपिक था। नाउ वी विल कम टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर एंड द मेन टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, विच इज़ टेक्निक्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस।
और जो टेक्निक्स हैं वो ब्रॉडली कहलाती हैं शेड्यूलिंग टेक्निक्स। दे आर नथिंग बट दे आर द शेड्यूलिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो सबसे पहली है फीफो क्विंग। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नाउ इन दिस द पैकेट वेट्स इन अ बफर और अ क्यू, क्योंकि क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। सो द पैकेट्स वेट इन अ बफर अंटिल द नोड इज रेडी टू प्रोसेस देम। और जो पैकेट पहले आएगा वो पैकेट पहले प्रोसेस होगा, दैट इज फीफो क्यूइंग। सो इसका एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, कैसे बनता है। सपोज यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो क्यू है वो फुल है या नहीं है। यहाँ से अराइवल हो रहा है, यहाँ पे हम डिस्कार्ड करेंगे। तो सिंपल, अब देखते हैं कि फीफो क्यूइंग कैसे काम करती है। सबसे पहले पैकेट्स यहाँ से अराइव होंगे, तो अराइवल। उसके बाद चेक होता है कि जो क्यू है वो फुल है या नहीं है। तो ये चेक करते हैं कि क्यू फुल है या नहीं है। अगर क्यू फुल है तो हम पैकेट को सिंपली डिस्कार्ड कर देंगे। अगर क्यू फुल नहीं है तो पैकेट्स को फ्रंट में ऐड करते जाएंगे, ऐसे। देन जो प्रोसेसर है वो एक एक करके पैकेट्स को टॉप ऑफ द क्यू से लेगा एंड उसे प्रोसेस करके आगे डिपार्चर के लिए भेज देगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे काम होता है। सो दिस इज बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें क्वालिटी सर्विस कैसे इंप्रूव होती है कि जो पैकेट्स हैं वो कंजेशन नहीं करते। अगर ये क्यू एक बार में 10 पैकेट्स को ही प्रोसेस कर सकती है तो 10 पैकेट्स ही नेटवर्क के अंदर आएंगे, क्यू के अंदर आएंगे, और बाकी के जो पैकेट्स हैं वो सिंपली डिस्कार्ड हो जाएंगे। नाउ द सेकेंड इज प्रायोरिटी क्यूइंग। यहाँ पे तो हमने किस पे किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कुछ प्रायोरिटी के बेसिस पे। अब इसमें क्या होता है कि जो पैकेट्स हैं उनको कुछ प्रायोरिटी की क्लास असाइन कर देते हैं, और हर प्रायोरिटी की क्लास की अपनी एक अलग क्यू होती है। तो जो प्रोसेसर है वो पहले किसको पिक करेगा, किस क्यू में से पिक करेगा, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी द प्रोसेस, द डायग्राम ऑफ प्रायोरिटी क्यूइंग। तो मैं हर प्रायोरिटी की क्लास के लिए एक अलग क्यू को क्रिएट कर रहा हूँ। तो जितनी भी आपके पास प्रायोरिटी की क्लास है हर एक के लिए अपनी एक अलग क्यू क्रिएट होगी। तो ये डायग्राम है प्रायोरिटी क्यूइंग का। सबसे पहले अगेन पैकेट्स का अराइवल होता है यहाँ से। अब पैकेट्स को क्लासिफाई करा जाता है कि वो किस क्लास को बिलोंग करेंगे। एंड सपोज यहाँ पे ऊपर मैं बना रहा हूँ हाई प्रायोरिटी क्यू, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और नीचे की तरफ है लो प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक क्लासिफायर होगा जो ये क्लासिफाई करेगा जो पैकेट्स हैं वो हाई प्रायोरिटी के हैं या फिर लो प्रायोरिटी के। सपोज उसने क्लासिफाई किया, अब उसका दोनों टाइम पे हम चेक क्या करेंगे कि क्यू जो है वो फुल है या नहीं है। तो दोनों के केस में ये चीज़ चेक होगी। अगर क्यू फुल है तो दोनों के केस में पैकेट सिंपल डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पैकेट्स को सिंपली हम डिस्कार्ड कर देंगे अगर दोनों क्यूज़ फुल हैं।
उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इन क्यूज के अंदर पैकेट्स को ऐड कर देंगे। फ्रंट में पैकेट्स को ऐड करते चले जाएंगे, ऐसी लो प्रायोरिटी का अगर पैकेट है तो फ्रंट में ऐड होता जाएगा। और जो यहाँ पे प्रोसेसर है, जो यहाँ पे प्रोसेसर है वो एक एक करके प्रायोरिटीज में से क्यू में से पैकेट्स को चूज़ करेगा। अब जो हाई प्रायोरिटी का पैकेट होगा, जो हाई प्रायोरिटी की जो क्यू है उसमें से प्रोसेसर पहले चूज़ करेगा और चूज़ करके सिंपल पैकेट को डिपार्ट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज़ प्रायोरिटी क्यूइंग। अब प्रायोरिटी क्यूइंग के अंदर एक प्रॉब्लम हो सकती है और वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन, जैसे कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी पढ़ा होगा, स्टारवेशन की प्रॉब्लम क्या है कि अगर लो प्रायोरिटी क्यू में से कोई भी पैकेट चूज ही नहीं हो रहा, सो इफ द लो प्रायोरिटी क्यू नेवर गेट अ चांस टू बी प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड एज स्टारवेशन। सो दैट इज द प्रॉब्लम विच इज एसोसिएटेड विद दिस प्रायोरिटी क्यूइंग। सो अब देखते हैं एक मच बेटर वर्जन ऑफ प्रायोरिटी क्यूइंग विच इज़ कॉल्ड एज वेटेड फेयर क्यूइंग। इट इज़ अगेन अ प्रायोरिटी क्यू, बट इन दिस द क्यू आर असाइंड सम वेट्स। सो मैं एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ कि उस वेट्स का मतलब क्या होता है। सपोज जिस क्यू का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, उसको वेट सबसे ज़्यादा असाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल इस वाली क्यू को वेट मैं दे देता हूँ 3, इस वाली क्यू को वेट दे देते हैं 2, और इस वाली क्यू को वेट दे देते हैं 1। ठीक है, अब अगेन पूरा प्रोसेस देखते हैं एक बार। पैकेट्स का अराइवल, देन पैकेट्स का क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे है क्लासिफायर। उसके बाद हर क्यू के अपनी एक कंडीशन है, वो चेक होगी कि फुल है या नहीं है। अगर सिंपली फुल है तो डिस्कार्ड करना है हमें पैकेट को। तीनों केसेस में यही करना है, डिस्कार्ड करना है। अब पैकेट्स एक एक करके क्या करेंगे, क्यू के अंदर प्रोसेस हो जाएंगे, क्यू के अंदर ऐड होते चले जाएंगे। सपोज़ यहाँ पे मैंने 4 पैकेट्स ऐड कर दिए, यहाँ पे मैंने 3 पैकेट्स ऐड कर दिए, या फिर 4 ही पैकेट ऐड किए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 2 पैकेट्स को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, देर इज़ अ रोटेटिंग स्विच काइंड ऑफ थिंग। नाउ दिस स्विच, ये वाला जो स्विच है, ये डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द क्यू उतने नंबर ऑफ पैकेट्स को सिलेक्ट करेगा। जैसे इसका वेट 3 है तो ये कितने पैकेट सिलेक्ट करेगा एक बार में प्रोसेस करने के लिए। दिस विल सिलेक्ट 3 पैकेट्स, दिस विल सिलेक्ट 3 पैकेट्स फ्रॉम क्यू एंड प्रोसेस देम। तो ये वाला प्रोसेसर इस क्यू के 3 पैकेट को पहले प्रोसेस करेगा, लेट अस से ऐसे, और उनको आगे डिपार्ट कर देगा। अब यहाँ से 3 प्रोसेस को जब उसने प्रोसेस कर लिया, 3 पैकेट्स को प्रोसेस कर लिया, तो ये 3 पैकेट्स तो अब ख़त्म हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिर्फ बचा एक ये वाला पैकेट, तो ये अभी इस क्यू के अंदर रहेगा, डिस्पाइट दैट इट इज़ हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद अब स्विच आएगा इधर की तरफ, और डिपेंडिंग ऑन द वेट यहाँ से वो 2 पैकेट्स को प्रोसेस करेगा, लेट से लाइक दिस, और फिर ये 2 पैकेट्स प्रोसेसर आगे डिपार्ट कर देगा। तो यहाँ से अब कौन कौन से पैकेट्स हट गए, ये वाले दोनों। अब यहाँ पे कितने पैकेट्स बच गए, ये वाले। अगेन अब ये स्विच रोटेट करेगा और इस वाली क्यू की तरफ आएगा, और यहाँ से इसके वेट के अकॉर्डिंग कितने पैकेट को प्रोसेस करेगा, एक पैकेट को, और वो प्रोसेसर आगे डिपार्ट कर देगा। तो यहाँ पर अब कितने पैकेट रह गए, सिर्फ एक ये वाला पैकेट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हो रही है एक तरह से, इट इज़ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, देर इज नो स्टारवेशन। क्योंकि ये जो पैकेट, ये जो क्यू है जिसका प्रायोरिटी सबसे कम है, उसको भी प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है, बट इट डिपेंड्स कि कितने पैकेट्स प्रोसेस होंगे, वो डिपेंड करता है हर क्यू के वेट के ऊपर।
So this is weighted fare queuing. So in this video we have seen what is quality of service, and we have seen three different techniques to improve quality of service. So thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.